सो गाइस ये है करा मेरा कल मॉर्निंग का वीडियो जिसमें 23 घंटा पहले अपलोड किया था, 48,000 व्यूज आया है। तो सिंपली इसका मैं यहाँ पर से लिंक शेयर करता हूँ, यहाँ पर से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद चलते हैं ऑटो कमेंट पिकर पे, देखते हैं आज का जो विनर है कौन है भाई। तो सिंपली मैं उस वीडियो को लिंक यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद फिर करते हैं यहाँ पर से देखते हैं कि किसका नाम निकल गया था, कितना सारा कमेंट्स है पहले चेक कर लेते हैं। तो कमेंट्स तो कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए इसमें, देखते हैं। सो गई टोटल यहाँ पर से कमेंट आ चुका है 1,559 कमेंट्स, ठीक है। तो फिर के विनर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर से एक विनर निकल के आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर से जीत चुका है बजरंगी शाह। बजरंगी शाह यहाँ पर से लिखा है, नाइस वीडियो आईडी इसने चिपका कर रखा है। तो सिंपली मैं इसका आईडी यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद चलते हैं टॉपअप वाले सेंटर पर। टॉपअप वाले सेंटर पर जाकर इसको करते हैं 100 डायमंड का टॉपअप। तो सिंपली टॉपअप सेंटर पर आ चुका है, फ्री फायर पर क्लिक करते हैं, प्लेयर आईडी पर क्लिक करते हैं। तो प्लेयर आईडी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्लेयर आईडी पेस्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं। और इनका प्रो सन्नी इसका नाम निकल गया, पेटीएम पे क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर से देख पा रहे हैं इसने फाइनली टॉपअप कर चुका है। तो यहाँ पर 40 रुपये का मैं टॉपअप करूँगा, जिसमें इसको 50 प्लस 5 डायमंड 55 डायमंड मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर टॉपअप करते हैं, यहाँ पर सबको मिलेगा 100 डायमंड 40 रुपये का। तो गाइस देर किस बात की, सिंपली जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे आपको लिखना होता है नाइस वीडियो और अपने गेम का यूआईडी पेस्ट करना होता है, जिसमें से हर रोज यहाँ पर से एवरी डे यहाँ पर से गिव अवे होता है, जहाँ पर से हर रोज किसी ना किसी लोगों को यहाँ पर से 40 रुपये का टॉपअप मिलता है, जिसमें उसको 100 डायमंड या फिर 55 डायमंड यहाँ पर से देखने के लिए मिल जाती है। सिंपली मैं 40 रुपये पर क्लिक कर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसको पेमेंट कर देते हैं भाई आपके सामने, ताकि आपको भी लगे नहीं भाई नहीं मतलब फेक नहीं, मतलब यहाँ पर जो भी कहा रियल का। तो कंटिन्यू पेपर में क्लिक करता हूँ, तो कंटिन्यू पे क्लिक करके देखते हैं पेमेंट में कितना टाइम लग जाता है मेरा। तो फाइनली यहाँ पर पेमेंट मेरा अमाउंट पे आ चुका हूँ, यहाँ पर पे कर देता हूँ 40 रुपये का यहाँ पर। और फाइनली पेमेंट जो मेरा सक्सेसफुल हो चुका और उसको मिल चुका यहाँ पर से 55 डायमंड। तो अगर मैं रेगुलर वीडियो देखते तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर से एमजी भाई ने किया, वरना उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके आईडी में 55 डायमंड कहाँ से आ गया है। तो क्या अगर आप भी पाना चाहते तो देर किसी बात करनी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए नाइस वीडियो और अपने गेम का यूआईडी और जीत लीजिए। यहाँ पर से आपको 40 रुपये का टॉपअप मिल जाए, जिसमें आपको 100 डायमंड मिल सकता है, 55 डायमंड मिल सकता है यहाँ पर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। सो गाइज गेम के अंदर हम लोग को फाइनली यहाँ पर से आ चुका है न्यू इलाइट पास। तो यहाँ पर से आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि जिसके पास लिमिटेड डायमंड है, जिसको डायमंड अर्न करने का दिक्कत है, जिसे आपको डायमंड इलाइट पास बाय करने के लिए आपको यहाँ पर से 500 डायमंड लगेगा, बट आपके पास सिर्फ सिर्फ 500 या 600 डायमंड। तो आप मतलब कन्फ्यूज में हैं कि हम लोग ये वाला इलाइट पास लेना चाहिए फिर नेक्स्ट वाला इलाइट पास लेंगे, क्योंकि इस इलाइट पास का और उस इलाइट पास को जो बंडल्स वगैरह जो भी यहाँ पर से आइटम्स होगा दोनों में डिफरेंट होगा। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं ना कि हम मतलब क्या करें भाई, किस टाइप का लें। तो फाइनली हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले जो नेक्स्ट इलाइट पास आने वाला है उसका कुछ मतलब जो बेस्ट चीज़ होता है ना, जो यूनिक सा चीज़ होती है, जिससे आपको बात कर लें यहाँ पर से बंडल्स की, उसके बाद डेड बॉक्स की, उसके बाद बैकपैक वगैरह, ये सब आपको इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये जो सीज़न 23 का इलाइट पास है ये लेना है, या फिर अपकमिंग इस इलाइट पास सीज़न 24 का इलाइट पास है आपको ओवरऑल लेना है। दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा बहुत पूरा तो नहीं बट आप कर सकती हो। तो उससे पहले बता दें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पर मिल जाए। सो गाइस यहाँ पर से हम लोग चाहते हैं इलाइट पास पर थोड़ा सा हम आपको इसमें झलक दिखा देते हैं कि इसमें मेरे को जो चीज़ अच्छा लगा वो क्या चीज़ अच्छा लगा। तो मेरे को इसमें से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं, गन की स्क्रीन वगैरह। उसके बंडल्स की बात करें तो बंडल फीमेल वाला बंडल थोड़ा देखने में सही है भाई, सही नहीं मतलब ठीक ठाक है भाई बंडल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में यहाँ पर गन की स्क्रीन तो गोली मारो भाई इसको। इमोट तो भाई चेंज कर दिया फाइनली, पहले जो हम लोग इमोट था वो कुछ अलग टाइप था, बट यहाँ पर से पता नहीं क्या सीन हुआ इसका, मतलब उसने बोला था लव वाला इमोट देगा, हर चीज़ में हर जगह कन्फर्म लिख दे दी थी, कन्फर्म लिख हर जगह से मिल गया था कि लव वाला इमोट आएगा, बट यहाँ से लव वाला इमोट हटा के तुच्छा से इमोट देते। कुछ खास नहीं भाई, मेरे को कुछ खास नहीं लगा यहाँ पर से, आप देख सकते हो कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगा यहाँ पर, सिंपल हाथ उठा के खड़ा हो गया होकर खेल खेल खत्म। तो मेरे को इलाइट पास अच्छा नहीं लगा। सर्फ बोर्ड की बात करो तो सेम पिछले बार इससे पहले भी ये वाला सर्फ बोर्ड आया था, तो यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं सर्फ बोर्ड ठीक ठाक है भी चलने लायक है। उसको नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में यहाँ पर से जो लूट बॉक्स की बात करते कुछ इस टाइप का, तो आपको बता दें इससे पहले भी हम लोग इस टाइप का लूट बॉक्स ऑलरेडी आ चुका है गेम के अंदर, जो हम लोग की इलाइट पास आया था इससे पहले से पहले, यानी कि सीजन लगभग ये 23 सीजन 20 या 19 के इलाइट पास का सेम टू सेम इस टाइप का ही बंडल्स वगैरह सब कुछ मिला था, सर्फ बोर्ड भी इस टाइप का सेम टू सेम मिला था। तो गारंटी का मतलब आप डिज़ाइन नहीं है भाई, डिज़ाइन वो लोग मतलब खुद नहीं कर पाते। उसका दूसरा यहाँ पर से बैकपैक ये वाला आप देख पा रहे हैं तो ठीक ठाक है चलने लायक, उतना खास भी नहीं है। उसे बंडल्स यहाँ पर से आप मेल वाला बंडल देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का है, जो कि ऊपर का हेलमेट तो मतलब चलने लायक है ही नहीं, थोड़ा सा जैकेट वगैरह नीचे का बॉटम चलेगा। तो फाइनली यहाँ पर से मैंने आपको दिखा दिया कि हम लोग को जो फर्जेंट इलाइट पास जो अभी चल रहा है तो इसका जो शू वगैरह है थोड़ा सा दिखने में सही है। तो हम मैंने आपको दिखा दिया कि इसमें मेरे को दो तीन चीज़ अच्छा लगा, इमोट वगैरह तो मेरे को अच्छा लगा, बंडल मेरे कुछ खास नहीं लगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर से नेक्स्ट इलाइट पास में, जो हम लोग अपकमिंग इलाइट पास आने वाला है, जो इसके बाद इलाइट पास आएगा उसका थोड़ा सा पूरा लीक तो नहीं, थोड़ा सा आपको लीक बता देते हैं।
सो गाइस फर्स्ट में आप मेल वाला बंडल देख पा रहे हैं, कुछ इस टाइप का वो दिखता है। तो मेल वाला बंडल मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, तो वह क्या गारंटी कि आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं मेल वाला कॉस्ट्यूम जो कुछ इस टाइप का आपको दिखता है, जो बहुत ही शानदार कॉस्ट्यूम होने वाला है। जहाँ तक मैंने को मतलब जहाँ पर जहाँ से जो हम लोग लिंक मिलता है हम लोग ना, वहाँ पर लिखा गया पूरा कि यहाँ पर से ये जो बंडल ही इलाइट प्लस में आएगा। अब देखो भाई, हम लोग जो भी बताते हैं वो लीक्स के रिगार्डिंग बताते हैं, अपडेट्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होता है, लीक्स जो भी होता है आप सबको पता होता है कि लीक्स कंफर्म नहीं होता, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बट इलाइट पास का जो न्यूज़ होता है वो लगभग आ ही जाता है यहाँ पर से। तो फाइनली मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया ये जो बंडल आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, ये जो बंडल है यहाँ पर से मतलब बताया जा रहा है कि 100% आपको इलाइट पास में बंडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इतना सही नहीं है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही कस्टमर अगर होता, सिर्फ मेल का कस्टमर होगा तो होता तो मैं मानता कि नहीं आगे नहीं आएगा। बट यहाँ पर से मेल और फीमेल दोनों का देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे फीमेल वाला बंडल आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको दिखता है। तो दोनों बंडल का लुक जो है सेम है, बट फीमेल का कॉस्ट्यूम का जो लुक थोड़ा सा अलग होता होगा ही, और मेल का कॉस्ट्यूम का लुक थोड़ा सा अलग होगा ही। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से मैंने आपको दोनों चीज़ का दिखा दिया कि दोनों का जो यहाँ पर से कॉस्ट्यूम है, दोनों का कॉस्ट्यूम बहुत ही शानदार आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद बात कर लें ऐसे नेक्स्ट चीज़ की, तो वो हम लोग निकल गए थे गन की स्किन को लेकर। तो गन की स्किन आप देख पा रहे हैं फाइनली यहाँ पर से मेरे को जहाँ तक न्यूज मिली, यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं कि आपको एक लॉन्चर की स्किन देखने के लिए मिले कुछ इस टाइप का वो दिखता है। तो आपसे पता है तो कि हम लोग इलाइट पास में जो भी यहाँ पर से गन की स्किन वगैरह आता है तो कुछ खास नहीं होता, सिंपल सा गन की स्किन होता है। तो यहाँ पर से लॉन्चर की स्किन आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आप दूसरा यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं MP5 की स्किन आपको देखने के लिए मिल सकता है, कन्फर्म नहीं हो बट यहाँ पर से आपको अपडेट्स के बाद यानी कि जो नेक्स्ट इलाइट पास है उसमें आपको MP5 की और यहाँ पर से लॉन्चर की स्किन देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद बात करें ऐसे नेक्स्ट चीज़ की, तो बैकपैक की बात करते हैं यहाँ पर से आप देख पा रहे बैकपैक कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर से देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर से ये जो इलाइट पास में आएगा बैकपैक देखने में सही है, अभी कुछ खास टाइप का लग रहा है यहाँ पर से जो इलाइट पास आने वाला है इस बार का। तो मेरे को जहाँ तक मैं कन्फर्म हो कि ये जो परजेंट इलाइट पास है ना, परजेंट इलाइट पास से नेक्स्ट इलाइट पास जो आएगा वो बेटर आएगा, बहुत ही शानदार आएगा। और मेरे को ये खुद के मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो इलाइट पास आएगा ये जो परजेंट इलाइट पास है उससे ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं मैंने आपको दिखा दिया बैक पे कुछ इस टाइप को देखने के लिए मिल सकता है। उससे नेक्स्ट चीज़ की बात करो तो यहाँ से आपको निकल के आती है सर्फ बोर्ड को लेकर। तो यहाँ से आप देख पा रहे सर्फ बोर्ड बिल्कुल हम लोग यहाँ पर से व्हाइट व्हाइट देखने के लिए मिल रहा है, मतलब बिल्कुल सब हर चीज़ को, ये जो मेन मेन पार्ट होता है ना, मेन मेन पार्ट को इन लोगों ने क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पे दिया। तो यहाँ से आप देख पा रहे कुछ व्हाइट टाइप का यहाँ पर से दिखता है। तो सर्फ बोर्ड भी यहाँ पर से शानदार लग रहा है। तो मेरे को लगता है कि सर्फ बोर्ड जो हम अभी हम लोग का प्रेजेंट इलाइट पास में और नेक्स्ट इलाइट पास का जो सर्फ बोर्ड आएगा कुछ सेम मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता आएगा। उससे नेक्स्ट चीज़ की बात करें डेड बॉक्स की, तो डेड बॉक्स आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, डेड बॉक्स कुछ आपको यहाँ पर से इस टाइप का देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भी बिल्कुल व्हाइट में कार्टूनिश टाइप में यहाँ पर से डिज़ाइन किया गया, इसको अभी रियल कलर नहीं दिया गया है। तो फाइनली जो हम लोग के बंडल्स वगैरह वो भी, और यहाँ पर से अब आप अंदाजा लगा सकते हो भाई कि यहाँ पर से डेड बॉक्स और सर्फ बोर्ड दोनों बिल्कुल व्हाइट में दिया गया है। और जो मैंने आपको बंडल्स स्टार्टिंग में दिखाया तो उसको वो भी बिल्कुल व्हाइट में दिया गया है। तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर से हम लोग इलाइट पास जो आने वाला है वो इलाइट पास में सेम टू सेम आपको वही बंडल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको डेड बॉक्स दिखाया स्क्रीन पर इस ये भी बिल्कुल व्हाइट है, और जो मैंने आपको सर्फ बोर्ड दिखाया वो भी बिल्कुल व्हाइट है, और जो मैंने बंडल दिखाया वो भी बिल्कुल व्हाइट है। जो इसका मेन मेन फीचर होने भी मेन मेन चीज़ जो है इन लोगों ने बिल्कुल व्हाइट व्हाइट करके दिया है ताकि मतलब पब्लिक को इतना समझ में नहीं आए, क्योंकि होता है कि पब्लिक को पहले अगर पता चल जाता है कि हम लोग का नेक्स्ट इलाइट पास क्या कैसा आने वाला है तो वो परजेंट कलेक्ट पास नहीं लेता है। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इलाइट पास अगर अच्छा आ जाता है तो वो किसी तरह से डायमंड कलेक्ट करके वो क्या करते हैं उस चीज़ को यहाँ से ले लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं यहाँ से आप देख पा रहे सर्फ बोर्ड आपको जिस टाइप का देखने के लिए मिल सकता है। तो सर्फ बोर्ड का डिज़ाइन यहाँ पर आप देख पा रहे कुछ किस टाइप का है, तो इस टाइप के हिसाब से इलाइट पास भी यहाँ पर से तगड़ा होने वाला है। तो फाइनली मेरे को जो भी यहाँ पर से लीक अपडेट मिला था मैंने बता दिया। अब आपसे जो भाई आपने वहाँ पर से थंबनेल पे लगाया है कि जीप की स्किन, और साथ ही साथ यहाँ पर से आपने दिखाया है एक बाइक की स्किन। तो गाइज आप सभी को पता होता है कि जीप की स्किन हो या फिर बाइक की स्किन हो वो ज़्यादातर हम लोग का टॉप अप इवेंट पे आता है या फिर, बट यहाँ पर से न्यूज़ निकल के आई है कि इस बार हो सकता है कि आपको जीप की स्किन मतलब जो नेक्स्ट हम लोग के इलाइट पास आने वाले उसके प्री ऑर्डर में तीन चीज़ आने की संभावना है। मतलब तीन चीज़ जो है मतलब बताया जाए तीन चीज़ वैसे आपको यहाँ पर से एक चीज़ में एक चीज़ कंफर्म देखने मिलेगा। तो तीन आइटम्स उसमें दिया गया, तो उसमें से कौन कौन से आइटम्स हैं, तो फर्स्ट में आपको आ सकता है तो वो आए तो आप जीप की स्किन आ सकती है, बट जहाँ तक मेरे को लगता है जीप की स्किन वो टॉप अप में ही देगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो बाइक की स्किन, तो बाइक की स्किन दे सकते हैं, बाइक की स्किन कुछ खास नहीं होता है, बाइक यहाँ पर से लोग उतना यूज़ नहीं करता है, जीप भी उतना यूज़ नहीं करता, बट यहाँ पर से बाइक की स्किन की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाइक की स्किन भी दिखा रहा हूँ, जीप की स्किन भी दिखा रहा हूँ। तो दोनों चीज़ में से एक चीज़ आ सकता है, या फिर तीसरा चीज़ की बात करें तो गुलबल की स्किन। तो गुलबल की स्किन आप देख पा रहे हैं, गुलबल की ये वाली जो स्किन है रेड वाली स्किन, तो ये वाली स्किन आपको इलाइट पास में देखने के लिए मिल सकता है प्री ऑर्डर में। तो यहाँ पर से बताया जा रहा है कि ये तीनों चीज़ में से यानी कि ये तीनों आइटम जो मैंने आपको दिखाया तीनों आइटम में से एक आइटम्स कंफर्म है कि यहाँ पर आपको इलाइट पास के प्री ऑर्डर पे देखने के लिए मिल सकता है। तो तीनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पर इलाइट पास के प्री ऑर्डर में दे दे तो सही है, क्योंकि अभी जो हम लोग परजेंट इलाइट पास में जो प्री ऑर्डर दिया था आप देखे होंगे, और आप लोग कमेंट बताना अभी कितने ऐसे लोग जो प्री ऑर्डर किया था जिसमें बिल्कुल तुच्छा सा एक बैकपैक दिया था। अभी बैकपैक में मतलब प्री ऑर्डर पर देने लायक चीज़ है भाई, आप ही बताना। तो ये तीनों में से कोई भी चीज़ कोई भी एक चीज़ देता तो आप लोग कमेंट बताना भाई कितने लोग प्री ऑर्डर करेंगे, एंड ये तीनों चीज़ में से आपको कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताना। बाइक की स्किन अच्छी लगी या
फिर जीप की स्क्रीन अच्छी लगी या फिर ग्लू वाल की स्क्रीन अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना सही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।